नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, दांत दर्द बहुत ही जटिल समस्या है। जी हाँ, जिसको होता है वो समझता है कि क्या है इसका दर्द। खास करके न रोगी चैन से बैठ पाता है, न सो पाता है, ना ही चल पाता है। उसको हर कार्य में मुश्किल हो जाती है, खाना पीना दुश्वार हो जाता है, सेहत डाउन होने लग जाती है। तो दांत दर्द की जब भी समस्या है तो क्या करना चाहिए और कैसे इससे निजात पा सकते हैं हम सभी, आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में जानते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके उपयोग से हम सभी दांत दर्द से राहत पा सकते हैं, और क्या करें जिससे दांत दर्द की समस्या हो ही नहीं, जिनको है उनको, ये इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानेंगे। इसीलिए पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली औषधि के बारे में। दांत दर्द को दूर करने के लिए अदरक एक गुणकारी औषधि है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से दर्द और सूजन दूर होती है, और अदरक का आपको बस पेस्ट लगाना होता है दांतों पर या फिर चबाना होता है। इससे दांत दर्द से आपको राहत मिल जाती है। अगली औषधि है हींग। जी हां, दांत दर्द दूर करने वाली ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। जहां पर आपका दांत दर्द हो रहा है उस जगह पर आप हींग लगा दीजिए, लार को बाहर थूकते रहिए, कुछ ही देर में दांत दर्द गायब हो जाएगा। या फिर लहसुन का प्रयोग करें, इसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है। लहसुन की कली को मैश करके उसमें नमक मिला करके दर्द वाली जगह पर लगाना चाहिए, इससे दर्द गायब होता है। या फिर अमरूद के पत्तों का प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। कैविटी के कारण दर्द होने पर अमरूद के 4 से 5 पत्तों को पानी में उबाल करके उस पानी से कुल्ला करें, पत्ते चबाएं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। या फिर फिटकरी का प्रयोग करें, फिटकरी पाउडर को दर्द वाली जगह पर रखें, लार को बाहर थूकते रहें, फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। या फिर नमक का उपयोग करें। जी हाँ, 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं, इस पानी को थोड़ी देर मुंह में रख करके कुल्ला करें, इससे आपके दांत दर्द की समस्या से निजात मिलेगी। या फिर बर्फ का प्रयोग करें, दर्द वाली जगह पर बर्फ रखने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और दर्द का एहसास नहीं होता है। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये बस टेम्पररली सॉल्यूशन आपके लिए है। लौंग, जी हाँ, इसमें यूजेनॉल होता है जो दर्द से राहत दिलाता है। दर्द वाली जगह पर लौंग का तेल लगाएं या लौंग दांतों के बीच दबा करके रखें, दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। तो ये तो तुरंत राहत पाने के लिए बात हो गई जब दांत दर्द हो रहा हो तब। अब आते हैं परमानेंट सॉल्यूशन पर। अगर आपका दांत दर्द हो रहा है तो कोई ना कोई गलती हुई है हमसे, तभी ये समस्या होती है। तो क्या करें हम? सबसे पहले तो अपने दांतों की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। सुबह शाम 2 बार अवश्य ब्रश करें। यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं कि सुबह शाम 2 समय ब्रश नहीं करते हैं, केवल सुबह करेंगे। अब नुकसान कैसे होता है? अगर रात को आप ब्रश करके सोते हैं तो आपके दांत पूर्णतः 12 घंटे लगभग या 6-8 घंटे आप सोते हैं, उतनी देर तक तो स्वस्थ रह ही पाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना होता है, और उस दरमियान वो अच्छे से स्वस्थ रह करके प्रिपेयर्ड रह पाते हैं। लेकिन जब सुबह आप ब्रश करते हैं तो सारी रात एक तो गंदगी उनमें सड़ती है, इस वजह से आपके दांत खराब होते हैं। सेकंड चीज कि सुबह जैसे ही ब्रश करते हैं इसके बाद कुछ ना कुछ आप खा लेते हैं, तो आपके दांतों को रेस्ट मिल ही नहीं पाता है, वो क्लीन रह ही नहीं पाते हैं कुछ समय के लिए भी, तो इस वजह से आपकी समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए दांतों को सुबह शाम अवश्य ब्रश करें अच्छे से, और ब्रश को हमेशा कभी भी ध्यान रखें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बल्कि आपको हल्के हाथ से ही ब्रश करना है थोड़ा समय लेकर के, और अच्छे से क्लीनिंग अवश्य करनी है। और ब्रश के साथ साथ ही आपको दांतों के साथ साथ जीभ की सफाई का भी ख्याल रखना है, अन्यथा आपको समस्या होगी। तो जीभ को भी आप जीभ को साफ करने वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उनसे दांतों को साफ करने के साथ साथ जीभ को भी साफ अवश्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको दांतों की समस्या नहीं होगी और दर्द नहीं होगा। साथ ही साथ कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए, जैसे दूध वगैरह का, जिससे आपके दांत
बने हुए होते हैं कैल्शियम से और इससे दांत मजबूत होते हैं। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए जो कि दांतों की सेहत से रिलेटेड रहा, दांत के दर्द को दूर करने से रिलेटेड रहा। कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, तो कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।